बुद्ध शासन टेलीविजन के सभी आदरणीय दर्शकों को नमो बुद्धाय। आज की धम्म देशना में हम चार क्रियापथ क्या है जानेंगे। शरीर को आराम देने के लिए एक एक आकार से शरीर रखते हैं, ऐसे प्रधान चार आकार है। एक चलना, दो खड़ा रहना, तीन बैठना और चार लेटना। चलने के वक्त स्मृति को सामने लाकर चल रहा हूं समझकर चलना चाहिए। बाएं पैर उठाते वक्त समझ लेना कि बाएं पैर उठाता हूं, आगे ले जा रहा हूं, जमीन पर रखता हूं कि समझना चाहिए। दाएं पैर उठाते वक्त भी ऐसे दाएं पैर उठाता हूं, आगे ले जा रहा हूं, जमीन पर रखता हूं, आगे ले जा रहा हूं, जमीन पर रखता हूं कि समझना चाहिए। पैर रखने के वक्त देखना चाहिए पैर कहां रखना है, वहां कोई साफ गड्ढा काटा किसी सामग्री ऐसे कुछ है कि नहीं देखना चाहिए। चलने के वक्त चारों ओर सिर घुमाते हुए, हाथ घुमाते हुए नाचने के ढंग से या पागल के ढंग से हंसते हुए चिल्लाते हुए जाना उचित नहीं और चारों के बराबर भी चलना नहीं। रास्ते किनारे होकर शांत भाव से, संयम मन से, साधना में संलग्न होकर चलना चाहिए। अभी हम खड़ा रहना कैसे रहना इस बारे में जानेंगे। खड़ा रहते वक्त सावधानी रखना चाहिए कि मैं खड़ा रहा हूं, जहां खड़ा होते हैं वहां खड़ा होने के योग्यता है कि नहीं, पर्यालोचन करना उचित है। वह जगह ऊंची से कम हो, किसी ऊंची स्थान या चोटी पर हो, किसी खड्डे के किनारे हो, नदी या समुद्र के तट पर हो, अग्नि के पास हो, भयानक जानवर या सर्प के पास हो, ऐसी कोई खतरनाक जगह है या नहीं, अच्छे से खोज लेने के बाद ही खड़ा होना चाहिए। मन को पीड़ा देने वाले विभिन्न पाप चित्तों को छोड़कर करुणा, दया, मैत्री, उपेक्षा आदि शुभ चिंता या किसी साधना विधिवत को मनन करते हुए खड़ा रहना चाहिए। बैठने के पूर्व बैठने वाला आसन को हाथ लगाकर देखना चाहिए कि इसमें कोई चीज छुपा के रखी है। हथियार काटे जैसी कोई आपत्ति जनक चीजें छुपी है या नहीं। कोई आपत्ति नहीं है तो अपना पहना हुआ कपड़े पर ख्याल रखते हुए संयम रूप से बैठे। बैठने के बाद हाथ पैर हिलाते हुए, सिर इधर उधर घुमाते हुए आसन पर पैर रखकर बैठना उचित नहीं है। अज्ञानता को दूर रखकर प्रज्ञा को इस्तेमाल करते हुए मन में देखकर मन में उत्पन्न होने वाला संकट दूर करने के लिए कोशिश करते हुए शांत चित्त से बैठना अच्छा है। लेटने के लिए पहले जगह तैयार करें। आपत्तियों से मुक्त किसी स्थल पर लेटने के मन बनाकर पहुंच लेना, फिर वही बैठ जाना, धीरे से फिर धीरे धीरे लेट जाना। लेटने का भी मुख्य चार विधि है। एक शेर की भांति लेटना, दो ब्रह्म की भांति लेटना, तीन प्रेत की भांति लेटना, चार मूर्ख की भांति लेटना,
सिर पूर्व दिशा को, पैर पश्चिम दिशा को, चेहरा उत्तर दिशा को, पीठ दक्षिण दिशा को होने से दाएं हाथ नीचे रखकर, बाया हाथ ऊपर रखकर सीधे सोना सिंह सैया कहते हैं या शेर की भांति लेटना है। उत्तम गुणधारी शांत मन वाले ध्यान प्राप्त श्रेष्ठ लोग शेर की भांति लेटते हैं। उन लोग बड़ा बुद्धिमान एवं अच्छे स्वास्थ्य में रहने वाले होते हैं। पूर्व दिशा को सिर, पश्चिम दिशा को पैर, उत्तर दिशा को पीठ तथा दक्षिण दिशा को मुंह करके बाया हाथ नीचे रखकर दाया हाथ ऊपर करके लंबे में सोना ब्रह्मशैया या ब्रह्म के भांति लेटना है। ऐसे लेटने वाले भी शांत मन से मुक्त, करुणा, दया, मैत्री आदि गुणों से युक्त अच्छे स्वास्थ्य में रहने वाले सत्पुरुष होते हैं। हाथ पैर चारों दिशा में फैलाते हुए पहना हुआ कपड़ा उस पर ध्यान भी न देते हुए आसमान को पकड़ने के ढंग से चेहरा ऊपर दिशा करके मुख से थूक गिरते हुए अनेक विकार आवाज करते हुए लेटना प्रेत शैया या प्रेत के ढंग से सोना है। जिनको मानसिक संतुलन नहीं है, जिंदगी में अनेक प्रश्न है, समाज में डरावहा है, कुकर्मी है, बीमारी है, ऐसे व्यक्ति प्रेत शैया में सोते हैं। तकिया में चेहरा छुपाकर जमीन पकड़ते हुए पीठ ऊपर करके आवाज करते हुए मुख से थूक गिरते हुए सो जाना मूर्ख शैया है। उस व्यक्ति का दिमाग कमजोर है, कंजूस है, डरपोक है, बीमारी है, मन चंचल है, अभाग्यशाली है। किसी भी आकार पर सोने से किसी को नींद नहीं आता है। अनेक कल्पनाओं से मन भर जाने के कारण नींद नहीं आती। ऐसे परेशानी में रहकर रहने वाले लेटने के बाद भगवान को याद करके मैत्री भावना करे तब मन उस साधना में साथ अच्छा नींद लगेगा, पसंद नींद बरकरार रहेगा। यह लेटने के ढंग से अपना अपना स्वभाव को समझकर नाराज नहीं होना, मृत्यु के पर्दे के पीछे बीते हुए संसार में क्या किया नहीं किया किसी को मालूम नहीं, लेकिन किए हुए कर्मों का फल आज भोग रहा है। इसलिए आज के फल से पूर्व कर्म तथा आदत समझकर उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करना अवश्य है। सोते वक्त जब जब मन में काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर उत्पन्न होते हैं तब तब उसे तुरंत वहां पर ही खत्म कर देना जरूरी है। बुरी चिंताओं में रंग बिरंगी दुनिया बनाकर उसमें खुशी मनाने की कोशिश कभी नहीं करना। उस प्रकार बहुत लंबे युग से मन में बैठे हुए निरर्थक चिंता तथा आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर आदि इंद्रियों के माध्यम से मन में घुसे हुए रूप, शब्द, गंध, रस आदि के मधुर सुख, शुभ तथा आत्मीय संज्ञा सहित तृष्णा मन की आखिरी गहराई तक जा बैठी है। मन उसे बार बार रगड़ते हुए पुनः पुनः याद दिलाते हैं। ऐसे सारे जीवन संसार में अस्त व्यस्त हो जाता है, तब साधना ही करना कठिन होता है। इस कारण ही विपश्यना ध्यान साधना में मन नहीं लगता। इसलिए हर हमेशा पल पल सावधानी रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो और सभी जुओं में आपस में बैर खत्म होकर मंगल मैत्री का वास हो। साधु साधु साधु।